नमस्कार प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्त ने ही दोस्त को मारी थी गोली, गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देश पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने युवक की अंधी हत्या का किया पर्दाफाश। दोस्त ने ही मारी थी गोली, अस्पताल में भर्ती करवा कर फरार होने वाला भाई भी बना घटना में आरोपी। मामली विवाद में किया था फायर, आरोपियों से चल रही पूछताछ। रीवा से रोहित पाटिल की रिपोर्ट। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मैं पूछा था पूरी आवाज, पूरी आवाज, पूरी आवाज। जोड़ी टाइम के लिए, अभी जोड़ी टाइम के लिए। आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। हजारी मोहल्ले में 9 तारीख की रात्रि में 11:30 बजे के आसपास से कोई घटना घटी थी। उसका नाम तो स्टार्ट में क्लियर नहीं हुआ था। उसको दो लोग ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे घायल अवस्था में। उसको पीछे की तरफ चोट लगी हुई थी, उसके सिर का कुछ हिस्सा गायब भी था। अज्ञात में उसको इलाज कराने भर्ती कराने के बाद लोग उसका इलाज करा रहे थे। और उसके बाद फिर 11 तारीख को थाने में उसके परिजन जो घायल था उसके परिजन आते हैं और कहते हैं गुमशुदा है, मिल नहीं रहा 2 दिन से। तो पुलिस ने पहचान लिया कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, तो उसको भेजा जब वहाँ, तो 11 तारीख को ही जब उसके परिजन उसको देखने गए तो इलाज के दौरान उसकी 11 तारीख को मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसका PM हुआ। PM के बाद ये क्लियरिटी आई कि उसको कोई गन शॉट की इंजरी थी। उसके बाद से पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया और उसके बाद थाना प्रभारी उनकी टीम के द्वारा आरोपियों की पतासाजी के लिए सघन प्रयास किए गए, जिसमें से पूछताछ के दौरान 2 आरोपियों की उसमें संलिप्तता आई, जिसमें एक प्रिंसु गुप्ता जिसके द्वारा उसको कट्टे से फायर करके चोट पहुंचाई गई थी, जिसके कारण से उसकी मौत हुई। और उसके मौत को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके भाई प्रिंसु गुप्ता के भाई ने सहयोग करके दोनों उसको लेके हॉस्पिटल गए थे। उन दोनों लोगों के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके उसके विवेचना में उनका खुलासा करके उनको अरेस्ट कर लिया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या कारण छोटा सा विवाद है। ये दोनों आपस में साथ साथ थे, पहले मेले गए, कुठलिया गए, वहाँ से फिर फार्म हाउस पे गए, उसके वहाँ मंदिर वगैरह में रहे, बागवान के पास बैठे, उसके बाद वापस आए। सारे के सारे लोग नशे में थे। तीनों की स्थिति बहुत ज़्यादा वैसी थी नशे में। उसी नशे के बीच में इनका विवाद हुआ और जो मृतक था बादल बंसल उसमें गाली गलौज कर दी उसको प्रिंसु गुप्ता को, तो प्रिंसु गुप्ता ने मना किया गाली देने से। उसके बाद जब उसने मना किया तो बादल ने उसको मारपीट कर दी, 2-4 चाटा मार दिए, तो वो गुस्से में आकर उसने उसको कट्टे से फायर कर दिया, जिसके कारण से उसको चोट लगी थी और उसी चोट के कारण उसकी मौत हुई।